शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी अपनाओ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दर्जन भर विद्यालय के विद्यार्थी और सैकड़ों की तादाद में नगरवासियों के साथ रैली निकाली और लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार करने के साथ ही स्वदेशी अपनाने की अपील की है। दरअसल स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश संगठन मंत्री केशव दुबोलिया ने बताया कि पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को पोहरी नगर में भी रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान नगरवासियों को विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी चीजें अपनाने की शपथ दिलाई है। बता दें कि रैली पोहरी के प्राचीन मंदिर अड्डा वाले हनुमान जी से मुख्य बाजार होते हुए आदर्श विद्यालय से मेन चौराहा बस स्टैंड पर समाप्त हुई। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच प्रदेश संगठन मंत्री केशव दुबोलिया, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, पूर्व विधायक प्रहलाद समेत अन्य संगठनों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से देश भर में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अमेजन और वॉलमार्ट, ये दोनों जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं, इन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश भर में मोर्चा लिए हुए है। देश के बड़े व्यापारिक संगठन कैट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CII, ये सारे व्यापारिक संगठन ये सभी चाहते हैं कि अमेजन और वॉलमार्ट ऐसी बड़ी कंपनियों पर नकेल कसा जाए, क्योंकि इनकी वजह से देश का व्यापार डिस्टर्ब हो रहा है। जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग जब से चालू हुई है, लोग अपना समय बचाने के उद्देश्य से ऑनलाइन शॉपिंग करते नजर आए हैं। क्या लगता है स्वदेशी जागरण मंच की इस रैलियां और जागरूकता के बाद कितना क्या फर्क पड़ेगा? ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में हम नहीं हैं। हमारा ये कहना है कि अमेजन जैसी कंपनी ने 8.5 हजार करोड़ रुपये जो लीगल एड के नाम पर देश भर में जो बांटे गए हैं, इस लीगल एड के नाम पर जो पैसा बांटा गया है, इस पैसे का हिसाब चाहिए कि 8.5 हजार करोड़ रुपया देश में किसको दिया गया है? देश की पॉलिसियाँ चेंज करने के लिए हमारे देश के व्यापार की नीतियाँ क्यों बदली जाती हैं? हमारी स्वदेशी कंपनियाँ क्यों नहीं खड़ी हो सकती? हमारा लोकल के व्यापारी का सामान लोकल की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी भी हो सकती है। ऐसा स्वदेशी जागरण मंच ये चाहता है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी होना चाहिए लेकिन अमेजन वॉलमार्ट जैसी नहीं, क्योंकि आज अमेजन और वॉलमार्ट का पूरे देश भर में नहीं सारी दुनिया भर में विरोध हो रहा है। आपके ध्यान में होगा अमेरिका में बड़ी मात्रा में इसका विरोध चल रहा है। पोहरी से हेमेंद्र गौतम की रिपोर्ट।